Hello, what's up guys? My name is Vinod Bhadu Thapa and today in this video we will see how state works in React.js. जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज कीजिए, क्योंकि कल के दिन मैंने आपको बताया था कि स्टेट क्या होती है। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा स्टेट काम कैसे करता है। जैसे मैंने आपको बताया कल के दिन, इस पे जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है। तो ये अपडेट कैसे हो रहा है, राइट? हमारा कोड कुछ इधर पे है, जहां पे आप देख सकते हो कि वी हैव वन H1, वी हैव वन बटन, एंड जब भी मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो मैंने ये अपडेटेड फंक्शन की मदद से काउंट की वैल्यू को अपडेट कर दी, एंड जिससे मेरी ये जो काउंट की वैल्यू है वो अपडेट हो गई एंड मुझे H1 में मेरा डेटा मिल गया, राइट? कॉन्सेप्ट तो यही है, बट बिहाइंड द सीन React.js में क्या यही हो रहा होगा? आप में से बहुतों को वर्चुअल डोम की बहुत आदत है, बट एक बात मैं बता दूं, वर्जन 19 में आप दुनिया छान मार लो, आपको वर्चुअल डोम कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज ये एक मिसलीडिंग टर्म था। वर्चुअल डोम जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो पीस ऑफ कोड है ये काम कैसे हुआ, एंड ये जो काउंट की वैल्यू जो है मुझे कैसे अपडेट होते हुए दिखाई दे रही है इन माय यूजर इंटरफेस, तो वो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, सो यह गाइस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो सबसे पहले इन रिएक्ट स्टेट ये एक तरीका है। स्टेट क्या गाइस? स्टेट आपका एक तरीका है जो काम आता है टू स्टोर एंड मैनेज डेटा डेट चेंज ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ अ कंपोनेंट। सिंपल, जो मैंने बता चुका हूं, कोई भी ऐसी वैल्यूज जो आगे जाके चेंज होने वाली है तो वहां पे आपको स्टेट की नीड लगने वाली है, एंड वो जो स्टेट है हम खुद से नहीं बनाते, रिएक्ट हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। फिलहाल अभी हम यूज स्टेट हुक्स देख रहे हैं। नाउ व्हेन द स्टेट चेंज, ध्यान से देखना, जब स्टेट होता है चेंज, रिएक्ट री रेंडर्स द कंपोनेंट टू रिफ्लेक्ट द न्यू स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान में रखना, एंड दैट इज React re-renders the component. React re-renders the component. Now, this ensures that the user interface stays in a sync with the underlying data. ठीक है, I hope आपको पता चल गया होगा state कैसे काम कर रहा है। इसका main funda है to store and manage data over the lifetime in a component. And इसके एक और काम है कि जब भी state change होगा, React re-render the component ताकि जो new updated value है वो हमें हमारे screen पे दिखाई दे। ठीक है, ऑलराइट, एंड ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है गाइस यहाँ पे ओवर दिस पार्ट, ये जो है मैं आपको बताऊंगा, बट एट द एंड में तब आपको पूरा पता चल जाएगा ये तीन स्टेप्स क्या कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले जहां पे ये जो आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारे जावास्क्रिप्ट में भी जब मैंने आपको डोम बताया था तब भी मैंने आपको ट्री बना के बताया था, बट यहाँ पे ट्री का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, कैसे डोम में अपडेट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वी हैव दिस ऐप कंपोनेंट, हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है, उसके अंदर वी हैव दिस काउंटर कंपोनेंट, उसके अंदर ये कंपोनेंट नहीं, ये एक आपके एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर ये हमारे पास H1, एंड देन वी हैव दिस बटन, एंड ये मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया था, यही है हमारा, देखो ना, ये आप फिलहाल के लिए आप इसको काउंटर कंपोनेंट समझ लो, जिसके अंदर वी हैव अ डिब, है ना, लेट्स इमेजिन दिस इज आवर डिब, डिब के अंदर वी हैव अ H1 एंड देन वी हैव अ बटन, एंड हम जब बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हम H1 की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं बाई वन, इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाई वन। तो वो बिहाइंड द सीन कैसे हो रहा है, हमारा ये स्टेट काम कैसे कर रहा है। ठीक है, so this is the tree structure of our current project, and when you click on the button then we are trying to update the state. चलो करके देखते हैं, है ना कितना awesome है animation. Okay, click हो गया, oh my god, देखो click करने के बाद हुआ क्या, we have one tree structure जो कि थोड़ी देर पहले हमारे पास था, but now we have one more new tree structure which is the updated one. ये है आपका old, ये है आपका new. अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो set state function है, जब भी आप button को click करते हो, ये वाले बटन को जब हमने की क्लिक, तब उसने सेट स्टेट फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर जो होना था सो हो गया, लेकिन सेट स्टेट फंक्शन क्या करता है, रिएक्ट जेएस को नोटिफाई करता है कि एक स्टेट है जिसको हम अपडेट करने जा रहे हैं, तब रिएक्ट जेएस क्या करता है, एक न्यू ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसमें जो पर्टिकुलर वैल्यू है, जो भी अपडेटेड वाली वैल्यू है वो वहां पे वो ऐड करके रख देता है। सो दिस इज योर ओल्ड वन एंड दिस इज योर न्यू वन। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा रिएक्ट को कि हमें किस वैल्यू को अपडेट करके हमारे यूजर इंटरफेस, हमारे ब्राउजर पे दिखाना है, बेसिकली रिएक्ट डोम को पास करना है, उसका बाकी वो अपना काम करेगा दिखाने वाला। तो ये ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास ओल्ड ट्री है, हमारे पास न्यू ट्री है, तो आई डोंट नो आपने ये टर्म कभी सुना होगा या नहीं, बट वी हैव अ रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस जिसके अंदर वी हैव अ डिफिंग या डिफ एल्गोरिथम, जिसका सिंपल मतलब है डिफ्रेंशिएट, जिसका डिफरेंशिएट या डिफरेंसेस उसका शॉर्ट फॉर्म है डीप, तो वो एक एल्गोरिथम है जो कि रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस के अंदर यूज होता है, जो बेसिकली रिएक्ट यूज कर रहा है,
वो जो डिफिंग एल्गोरिथम है वो ये मेक श्योर करता है कि आपके पास अगर ओल्ड ट्री है एंड देन आपके पास अगर न्यू ट्री है, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट, आई मीन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा स्टेट है जो अपडेट हुआ है या जिसकी वैल्यू चेंज हुई है, वो डिफिंग एल्गोरिथम का काम होता है। बिहाइंड द सीन तो बहुत लंबा है, बट उस एल्गोरिथम का काम है टू मेक श्योर कि जो भी फंक्शन, आई मीन जो भी स्टेट चेंज हुआ है, सिर्फ उसी को ही हम आगे रिएक्ट डोम को पास करें एंड देन वो उसको गाइस फर्दर रेंडर करके हमारे यूजर इंटरफेस पे दिखा देगा। तो कभी भी जब ये डिफिंग एल्गोरिथम काम करता है, मतलब चेक करने का कि कौन सा स्टेट की वैल्यू या कोई भी ऐसी वैल्यू जो चेंज हुई हो, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो सबसे पहले ऐप कंपोनेंट देखता है, नहीं ऐप में तो कोई चेंज नहीं। फिर वो काउंटर कंपोनेंट चेक कर रहा है, नहीं इसमें भी कोई चेंज नहीं। ऑब्वियसली डीप तो एक सिंपल सा एलिमेंट है, तो डीप में तो क्या ही चेंज होगा। बट जब वो एच वन पे आता, उसने देखा अरे ये जीरो वाली वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं, अब वो वन हो चुकी है। उसको पता चल गया कि ये जो एच वन स्टेट, आई मीन एच वन एलिमेंट के अंदर ये जो काउंटर स्टेट है उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। एंड देन बटन जो है वो तो ऑब्वियसली चलो चेंज नहीं। तो बस अब सिंपल सा होगा ये कि रिएक्ट जेस को ये रियलाइज हो गया है कि एच वन इज डिफरेंट, देन रिएक्ट डॉट जेस विल डिमांड रिएक्ट डोम टू अपडेट इट्स वैल्यू इन डोम। आई होप गाइस आप समझ गए, ओल्ड ट्री न्यू ट्री को कंपेयर करना है ना, उसी के बीच में आपका वर्चुअल डोम वाला कॉन्सेप्ट आता है, बट इट्स अ मिसलीडिंग टर्म जिसका कोई काम ही नहीं है। हम आगे देखेंगे हो रिएक्ट वर्क्स तब मैं आपको बताऊंगा, बट इन रियलिटी वी हैव अ रिकंसिलिएशन प्रोसेस जिसके अंदर वी हैव अ डिफिंग एल्गोरिथम जो मेक श्योर कर रहा कि कौन सी स्टेट है जिसकी वैल्यू चेंज हुई है। जिसकी भी वैल्यू चेंज है, रिएक्ट जेस क्या करता है, रिएक्ट डोम को बोलता है भाई चलो ये वाला एक पर्टिकुलर स्टेट इसकी वैल्यू चेंज हुई, अब इसको अपडेट कर दो डोम में, हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। एंड एक बार जो डोम में अपडेट हो गया तो ऑब्वियसली वहां पे भी तो ट्री बनता ही है ना, मतलब हालांकि ये ट्री वहां पे बन चुका होगा। ठीक है, देन फिर यही जो है आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होता है। तो इस तरीके से गाइस आपका ये काम करता है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे एक और नोट है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। जब रिएक्ट जेस एक न्यू ट्री बनाता है, ठीक है, इट विल री रन और री रेंडर द अफेक्टेड कंपोनेंट एंड ऑल इट्स चिल्ड्रेन। ये अभी आपको मैं एग्जाम्पल करके बताता हूँ। सो इन दिस केस इट विल री रन आवर काउंटर कंपोनेंट, इट वॉन्ट री रेंडर अदर कंपोनेंट्स आउटसाइड द काउंटर कंपोनेंट। मैं आपको बताता हूँ इसमें एक चीज तो आपको पता चल गया, जब भी स्टेट की वैल्यू चेंज होगी उस करेंट कंपोनेंट को वो री रन या री रेंडर कर देता है। एंड उस कंपोनेंट के अंदर और भी कुछ चाइल्ड कंपोनेंट होंगे तो वो उसको भी अफेक्ट करता है, मतलब वो भी री रेंडर हो जाता है। तो क्या है इसका मतलब, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। पहले ये बताता हूँ फिर मैं आपको एग्जाम्पल करके बताता हूँ, सिंपल है। वी हैव दिस पार्ट, हाँ ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है, दिस इज योर पेरेंट ऐप कंपोनेंट, ऑलराइट। देन वी हैव दिस डिव एंड देन वी हैव दिस पर्टिकुलर एक पेरेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर वी हैव टोटल टू चिल्ड्रेन। ध्यान से देखना, ये आपका पेरेंट है एंड ये जो है आपके चिल्ड्रेन है, ये दोनों के दोनों आपके चिल्ड्रेन है। अब नाउ गाइस आप इस जगह पे आ जाइए, सबसे पहले वी हैव दिस इनिशियल रेंडरिंग, हाँ ये फर्स्ट फेज होता है जहां पे जब भी आपका ये ऐप कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है, जब आप फर्स्ट टाइम रन करते हो तब ऑब्वियसली आपको आपकी स्क्रीन पे पेरेंट कंपोनेंट, उसके अंदर के दो चाइल्ड कंपोनेंट एंड सिबलिंग कंपोनेंट्स है, ये सब आपको दिखाई दे रहे होंगे। नाउ लेट्स इमेजिन कि पेरेंट कंपोनेंट, ये जो आपका पेरेंट कंपोनेंट है, यहाँ पे गाइस आपका क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया, एक स्टेट चेंज हो गई। एंड द मोमेंट अगर स्टेट चेंज होता है तो वो वापस से री रेंडर होता है। तो सपोज देर इज ए स्टेट चेंज एंड आप देख सकते हो इन पेरेंट कंपोनेंट, रिएक्ट विल री रेंडर द पेरेंट कंपोनेंट एंड ऑल इट्स चिल्ड्रेन। सो हमारे केस में चाइल्ड कंपोनेंट एंड अनदर चाइल्ड कंपोनेंट जो है, ये दोनों के ये दोनों वापस से रीरन हो जाएंगे, वापस से इनकी जो भी वैल्यू थी वापस से आपको दिखाई देगी टू टाइम्स, समझे। पेरेंट कंपोनेंट का स्टेट चेंज हुआ तो ये जो दो चाइल्ड कंपोनेंट है वापस से रीरेंडर हो जाते हैं। बट वहीं ये जो सिबलिंग कंपोनेंट है, सिबलिंग कंपोनेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टेट चेंज इन पेरेंट कंपोनेंट बिकॉज ये डायरेक्ट चाइल्ड कंपोनेंट नहीं है एंड ये हमारा जो भी स्टेट है उसके बाहर है, आउटसाइड द कंपोनेंट, सो इसलिए ये री रेंडर नहीं होगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन से कंपोनेंट से जो री रेंडर होंगे एंड कौन से कंपोनेंट से जो री रेंडर नहीं होंगे बिकॉज ऑफ आवर स्टेट चेंज। ठीक है, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपको समझना एंड आई होप आपको पता चल गया होगा। एंड अगर चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ भी आप चेंज करते हो तो ऑब्वियसली वो इसको भी अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये तो दोनों सिबलिंग हो गए ना। सो आई होप गाइस आप ये समझ गए, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ठीक है, इसी पे मैं कंट्रोल सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इसको एक बार रिफ्रेश, तो यार ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेट्स इमेजिन यहीं पर ही इस डीप के अंदर, ठीक है, ये देखो ना, ये काउंट हमारा स्टेट है, ये मेरा स्टेट है, ये मेरा एक डीप है। ठीक, इस डीप के बारे में एक और कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ,
जिसका नाम होगा चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने चाइल्ड कंपोनेंट लिखा है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। एंड फिलहाल लेट्स सी क्या होता है अगर मैं सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट बनाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट की इनसाइड आवर स्टेट कंपोनेंट, एंड ठीक बॉटम पे मैंने उसको डिफाइन कर दिया, एंड मैंने कंसोल डॉट लॉक करके रखा हुआ। मुझे ये देखना है कि फर्स्ट टाइम जब हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो क्या ये चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने जो लिखा है वो भी मुझे मिलेगा, ठीक है, एंड ये जो पार्ट है ये भी क्या मुझे दिख रहा होगा या नहीं। अगर यहाँ चलता, ओ माई गॉड, आप देख सकते हो चाइल्ड कंपोनेंट, एक काम करता हूँ ना, ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है, सो गाइस मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं थोड़ा सा उसको बेटर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड लेट्स, एंड बाय द वे ये कभी भी आपको दिखा तो ये कमेंट है, डरने की बात नहीं है। कंट्रोल एस सेव, ओके 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 ऑल राइट, ऑसम गाइस। तो आप देख सकते हो कि मुझे अभी चाइल्ड कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो फिलहाल आपको इतना कुछ पता चलेगा नहीं, कंसोल पे मैं आना चाहता हूँ, एंड एक चीज आप देखो, चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर्ड, चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर्ड, दो दो बार मुझे दिखाई दे रहा है, एंड उसके पीछे का क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आई जस्ट रियलाइज लेट्स डू वन मोर थिंग, एंड दैट इज कि सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट ही क्यों, पेरेंट कंपोनेंट ऑल्सो, ठीक है, लेट्स गो विथ पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे चल रहा हूँ, एक बार रिफ्रेश, ये देखो पेरेंट कंपोनेंट रेंडर्ड, पेरेंट कंपोनेंट रेंडर्ड, चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर्ड, एंड देन चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर्ड। तो इसका मतलब ये है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गाइस ये तो चलना ही था, क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट अभी तक आपको बेसिक आइडिया आ चुका है। एक चीज जरूरी है कि यहाँ पे ये दो दो बार मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, उसके पीछे का भी रीजन है, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड जो कि जब भी आप मेन डॉट जेएसएक्स पे जाते हो कभी आपने ये देखा होगा कि नहीं, बट वी हैव दिस रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, बाई डिफॉल्ट रिएक्ट हमें ये प्रोवाइड कर रहा है ताकि इन आवर डेवलपमेंट फेज हम कोई गलती ना करें, तो उसके लिए इन्होंने ये दिया है ताकि हम डबल चेक कर सके। द मोमेंट अगर आप स्ट्रिक्ट मोड को हटा देते हो, ठीक है, अगर आप इसको हटा देते हो तो देखो वो चला जाएगा। ये एक क्वेश्चन है इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आपको दो दो बार क्यों रेंडर कंसोल पे वैल्यू दिख रही होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, जो कि ये मेक श्योर करता है कि कहीं पे कुछ एरर ना हो, ठीक है, उसके लिए बनाया जाता है। आगे आपको पता चलेगा, बट एटलीस्ट ये आपको पता चल गया, एंड इसको अभी हटना नहीं, एंड जब हम इसको प्रोडक्शन के लिए रेडी करेंगे तो अपने आप चला जाता है वो तो, बट फिलहाल हमारे लिए मेन कंसर्न वो नहीं है। मेन कंसर्न ये है कि अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, किस पे, मैं इस बटन पे अगर क्लिक करता हूं तो मेरा ये जो काउंट है उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, ठीक है, अपडेट कर देगा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठीक उसके नीचे वी हैव दिस चाइल्ड कंपोनेंट, क्या वो चाइल्ड कंपोनेंट को अगेन इफेक्ट करेगा या नहीं, वो भी देखने वाली बात है ना। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, एक बार क्लिक करता हूँ, एंड बूम गाइस सी, देखा द मोमेंट मैंने इसको क्लिक किया, फिर से देखने एक और बार, ये देखो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर, चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर। तो इससे ये साबित हो जाता है कि भले ही आपने सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट इस तरीके से लिखा हो इनसाइड आवर पेरेंट कंपोनेंट, बट रूल ये बोलता है कि पेरेंट कंपोनेंट का अगर स्टेट चेंज हुआ तो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट है वो वापस से एक बार रीरन या रीरेंडर हो जाएंगे, एंड आप देख ही सकते हो कि ये वाला पार्ट मुझे वापस से मिल रहा है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इस पे अगर आप चाहो तो डेटा भी पास कर सकते थे, काउंट विल बी इक्वल टू योर काउंट, एंड यहाँ पे आप उसको लाइक डिस्ट्रक्चर करके गेट कर सकते थे, एंड चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे आप इस तरीके से वो जो काउंट उसको पास कर सकते थे, ठीक है। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मैं हटा रहा हूँ इसको, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये देखो देख रहे हो आप, ये भी अपडेट हो रहा है, ये भी अपडेट हो रहा है, एंड मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए समझना कि कैसे ये काम कर रहा है। अब ऑब्वियसली ये जो स्टेट है, ठीक है, इसके बाहर अगर मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं यहाँ पे, लेट्स क्रिएट वन मोर कंपोनेंट, इसके नीचे ही कर देता हूँ, एंड दैट इज सिबलिंग खाली, एंड यहाँ पे मुझे काउंट की नीड नहीं है, एंड ऑब्वियसली इसको काउंट मिलेगा भी नहीं क्योंकि ये आउटसाइड है, एंड कंट्रोल एस सेव करो, इसको अगर मैं हटाता तो आएगा नहीं फिर वो, बट जो भी हो मैंने एक और कंपोनेंट भी यहाँ पे बना दिया, उसी के अंदर एक और बना दिया, ठीक है, आप समझ लो बस ऐसे मैंने रख दी इस फाइल के अंदर, एंड सिबलिंग नाम से, एंड सिबलिंग कंपोनेंट रेंडर इस तरीके से मैंने रख रहा हूँ।
तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, आप देखो पहली बात तो मुझे वो दिखेगा भी नहीं, कहीं पे दिखने वाला भी नहीं है। एंड अगर आपको ये थोड़ा सा वेर्ड लग रहा है तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मेरा ये जो स्टेट है ऑब्वियसली यहाँ है ना, तो मैं यहीं पर ही एक और कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ। एंड ये जो सिबलिंग है मैं यहाँ पे इस तरीके से उसको पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब एटलीस्ट मुझे ये भी आएगा सिबलिंग कंपोनेंट, एंड यहाँ पे सिबलिंग कंपोनेंट रेंडर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये तो आना ही था, राइट। देखो अब ध्यान से देखने, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। अब अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो क्या मुझे सिबलिंग कंपोनेंट आएगा? नहीं आएगा। ये देखो, चाहे अब आप जितना भी कुछ भी कर लो, आपको ये सिबलिंग कंपोनेंट का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर लाइक टोटली अलग है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, यहाँ पे वही हो रहा है। पेरेंट कंपोनेंट में कुछ भी चेंज हुआ तो चाइल्ड अफेक्टेड होंगे, बट उसका जो बाजू वाला सिबलिंग है उसको कुछ नहीं होने वाला, बट ये तो अफेक्ट होते ही है। एंड री रेंडर्स इनको ही अफेक्ट करता है, ऐसा नहीं हर एक को अफेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको मास्टर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। री रेंडर क्या था वो भी आपको पता चल चुका है, स्टेट्स क्या, वो कल के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा। आज तो मैंने आपको एकदम डेमो देके बताया कि ये स्टेट आपका काम कैसे कर रहा है, ठीक है। सो या दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे ये जो प्लेलिस्ट है लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। प्लीज अपने दोस्तों को भर भर के शेयर कीजिए कि अगर रिएक्ट पढ़ना है, ठीक है भाई, रिएक्ट 19 यहाँ पे है। रिएक्ट 19 तो ऑफिशियली अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है, अभी भी ये आपका आप कह सकते हो रिलीज कैंडिडेट RC पे ही है, बट मैं ऑलरेडी आपके लिए इतना कुछ बना चुका हूँ। तो गाइस प्लीज शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में आप चाहो तो मुझे टैग कर सकते हो, इन सबको लेके मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।